नमस्कार बच्चों, मैं नीतू वर्मा आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 3 फूल का मूल्य पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। इनके नाम से तो आप सभी परिचित हैं, तो एक बार मैं इनका परिचय आपको फिर बता देती हूँ। बच्चों, ये गुरुदेव के नाम से विख्यात है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, गुरुदेव के नाम से विख्यात रविन्द्रनाथ जी का जन्म कोलकाता जानते हैं कहाँ है? जी हाँ, पश्चिमी बंगाल में है कोलकाता। तो बच्चों, कोलकाता में 7 मई 1861 को हुआ था। वे विश्व स्तरीय साहित्यकार थे। साहित्यकार मतलब साहित्य की रचना करने वाला, और आप तो जानते ही हैं साहित्य में गद्य भी आता है और पद्य भी आता है। गद्य के अंतर्गत हम कहानी, निबंध, लेख ये सभी पढ़ते हैं, और पद्य में हम कविताएं, दोहा, छंद ये सब पढ़ते हैं। तो बच्चों, उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उनकी अन्य रचनाएं बच्चों गोरा, घरे बाईरे, नौका डूबी आदि हैं। बच्चों, भारत का राष्ट्रगान जानते हैं? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना करने का गौरव उन्हें ही प्रदान है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। बच्चों, उन्हीं की रचनाओं में एक फूल का मूल्य भी है। आपने एक कविता पढ़ी थी पुष्प की अभिलाषा, तो पुष्प की अभिलाषा में बच्चों वो फूल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, उसकी अभिलाषा क्या है कि जब वो उसे वीर पुरुषों के शव पर चढ़ना है, ये उसकी अभिलाषा है। बच्चों, फूल जब सुंदरी के बालों में लगता है तो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, और जब भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है या किसी महापुरुष के चरणों में चढ़ाया जाता है तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। तो इस रचना में फूल को एक महान पुरुष के चरणों में चढ़ाने के लिए दो व्यक्तियों के लिए आपस में स्पर्धा है। स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, कौन चढ़ाए। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। शीतकाल के दिन थे, शीतकाल अर्थात सर्दी की ऋतु थी। प्रचंड शीत से, प्रचंड मतलब बहुत तेज, तो प्रचंड शीत से अर्थात बहुत तेज सर्दी से पुष्प सूख गए थे। वन उपवन में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदास से खड़े थे। जैसे शिशु विहीन माता पिता की तरह वो उदास खड़े थे, सूख गए थे, उनके पेड़ पत्तियां सब सिकुड़ गई थी, तो इस तरह से वो खड़े हुए प्रतीत हो रहे। पर यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। प्रफुल्लित मतलब बच्चों खूब प्रसन्न। उस वहां पर जब सारे पेड़ पौधे सूख गए तो वहां पर एक पानी के अंदर एक कमल का फूल उग रहा था, तो अपने आप को तो वो इतराएगा ही ना। चलिए, यह तो सुदास माली का सरोवर है, ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। बच्चों, वो सरोवर किसका था? सुदास माली का। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। ये कौन सोच रहा है? सुदास माली। उन्हें सोचा कि ये इतना सुंदर फूल, जब अकाल में सारे फूल सूख गए हैं और फूलों का अकाल पड़ गया है, उस समय अगर एक फूल अगर राजा जी को मिल जाए, और इतना सुंदर फूल, तो वो तो मुंह मांगा मूल्य ही तो देंगे। यही वो सोच रहा था।
तभी बच्चों पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो मुग्ध होकर एक झोंका खाया। इतना प्रसन्न था कि उसने भी हवा ने उस कमल के फूल को भी हिला दिया। ऊपर आकाश में कोयल कूकुटी, माली का मन गदगद हो उठा। गदगद होना मतलब प्रसन्न हो उठा कि यह मंगल चिन्ह है, और क्या सोचने लगा कि यह तो शुभ संकेत है। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था। प्रतीक्षित नयनों से अर्थात राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा जी को समाचार भिजवाया था, समाचार तो राजा जी को भिजवा दिया था कि सुदास माली उनके लिए फूल लेकर आया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी आएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। बच्चों मोद मतलब प्रसन्न हो रहा था। मूल्य का अभिलाषी, अभिलाषी मतलब बच्चों इच्छा रखने वाला। सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था, अर्थात वो फूल की रखवाली कर रहा था कि एक भी पंखुड़ी ना गिरने पाए। पंखुड़ी का एक भी दल उसने गिरने भी नहीं दिया था बच्चों। इस बीच राजपथ से एक पुरुष उधर आ निकला। कमल फूल निहार कर, निहारना मतलब बच्चों देखकर, वह पुरुष सुदास माली के समीप आया। समीप मतलब नजदीक आया और सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। संक्षिप्त मतलब बच्चों छोटा सा। उस सज्जन ने पूछा, फूल बेचना है? तो सुदास ने जवाब दिया कि वो उस फूल को राजा जी के चरणों में चढ़ा देना चाहता है। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? उस सज्जन ने कहा, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा अर्थात उनके भगवान के चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? ये किसने कहा? सज्जन ने। वह बोला, मैं भी आज एक अशर्फी की आशा लेकर निकला हूं, मुझे स्वीकार है। सुदास ने कहा कि मैं भी एक अशर्फी की पाने की आशा लेकर निकला हूं। उस सज्जन ने कहा, मुझे स्वीकार है, तुम्हें एक अशर्फी देना। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी, कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ युवती दल उधर ही चला आ रहा था। कहां चला आ रहा था बच्चों? जहां पर सुदास माली और वह सज्जन खड़े थे। राजा प्रसेनजी नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। राजा का नाम क्या था बच्चों? प्रसेनजी। नंगे पांव, उनकी भी श्रद्धा थी भगवान बुद्ध में, तभी तो वो नंगे पांव भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाहर प्रभु गौतम पधारे थे। गौतम बुद्ध जानते हैं ना, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। जब राजा जी ने कमल का फूल देखा और खुश हो गए, तो उन्होंने सोचा कि भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प की ही कमी थी, इस कमल फूल को पाकर तो वो भी पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। राजा ने क्या पूछा? फूल का मूल्य क्या लेगा? तो सुदास ने उत्तर दिया, महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? एक अशर्फी की कीमत पर मैं 10 अशर्फियां देता हूं। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरी ओर से 20 अशर्फियां। देखिए बच्चों, एक फूल के लिए राजा और सज्जन दोनों ही
कीमत लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की श्रद्धा किसमें थी? गौतम बुद्ध में, और वो दोनों उन्हें वो फूल चढ़ाना चाहते थे क्योंकि फूल भी सुंदर था, और उस अकाल में यदि एक फूल मिल गया तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। बच्चों विषण मतलब दुखी। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि दो भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। अर्थात उन्होंने कहा कि आज हम दोनों ही भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं, और आज हम दोनों ही भक्त हैं। न तो आप राजा हैं और न मैं प्रजा हूँ, आज तो हम दोनों भक्त हैं और भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओजपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, हे भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। अर्थात उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, आप अपनी इच्छा जताएं, खुश होकर अपनी मांग प्रस्तुत करें, अर्थात अपनी मांग मेरे सामने रखें। तुमने 20 अशर्फियां कही है तो मेरे 40। अब देखिए एक फूल के लिए राजा और सज्जन दोनों ही बोली बढ़ा रहे हैं। पहले एक अशर्फी आई, फिर 10 अशर्फी आई, फिर राजा ने 20 अशर्फी दी। अब यहाँ पर 20 अशर्फी के बाद में क्या हो गया, उस अशर्फी का मूल्य फिर बढ़ गया और कितनी हो गई, 40। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन। सुदास ने कहा कि एक तो राजा है और एक सज्जन पुरुष अर्थात और वो भक्त है, तो उसने दोनों को ही कहा क्षमा कीजिए राजन और क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे ये अब यह कमल का फूल बेचना नहीं है। क्या कहा कि आप दोनों ही मुझे क्षमा करें, मैं इस कमल के फूल को नहीं बेचना चाहता हूँ। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। उसने जब देखा कि ये दोनों ही गौतम बुद्ध को फूल चढ़ाने के लिए फूल का मूल्य बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसने उस फूल को उन दोनों को ही बेचने से मना कर दिया। इतना कहकर वो वहां से चलता गया। दोनों भक्त विस्मय अर्थात विस्मय मतलब बच्चों आश्चर्य से, दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। निहारते मतलब एक दूसरे को देखते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाकी खड़ा हुआ। एकाकी मतलब बच्चों अकेला। अकेला खड़ा हुआ वह विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। विचारों में विलीन मतलब विचारों में ही खो गया, डूब गया। जिस महात्मा के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वे स्वयं कितने धनवान होंगे। सुदास माली सोचता है कि जिस महात्मा के लिए ये लोग इतना सारा पैसा देने को तैयार हैं, तो जिस व्यक्ति को ये फूल चढ़ाया जाएगा तो वो स्वयं कितना धनवान होगा, कितने महामना होंगे, कितने बड़े महापुरुष होंगे। उनके चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। देखिए बच्चों वो सोच रहा है, सुदास सोच रहा है कि जिसके लिए ये दोनों इतना सारा पैसा दे रहे हैं तो वो स्वयं कितना धनवान होगा, कितना बड़ा महापुरुष होगा। अगर मैं स्वयं उनके चरणों में यह पुष्प अर्पित कर देता हूँ, अर्पित करना मतलब बच्चों चढ़ाना, यदि मैं चढ़ा देता हूँ तो मुझे तो न जाने कितना सारा धन मिलेगा। द्रव्य का मतलब है बच्चों, यहाँ द्रव्य का मतलब धन से। वह उस ओर बढ़ा जहां महात्मा बुद्ध ठहरे थे।
अब सुदास कहाँ चला गया? महात्मा बुद्ध के रास्ते, जहां पर महात्मा बुद्ध ठहरे थे वो उस ओर उस रास्ते पर आगे चल दिया। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर महात्मा बुद्ध विराजमान थे। विराजमान मतलब बच्चों बैठे हुए थे। अब देखिए बच्चों उनका क्या वेशभूषा थी, क्या चमक थी उनके चेहरे पर, क्या तेज था। उज्जवल ललाट, मुंह पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। बच्चों जब महात्मा बुद्ध के उस स्वरूप को जब सुदास माली ने देखा तो वह स्तब्ध सा रह गया था, सन्न रह गया। कैसा था उनका रूप? उज्जवल ललाट, इतना तेज चमक रहा था। उज्जवल ललाट, मुंह पर आनंद की प्रसन्नता की चमक थी, प्रभा मतलब चमक। होठों से सुधा झर रही थी, सुधा मतलब अमृत, अमृत की धारा झर रही थी। नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि, मेघों के समान धीर और गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुंह से निकल रही थी। कितना सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर महात्मा बुद्ध का। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। स्तब्ध मतलब बच्चों, स्तब्ध का मतलब एकदम सन्न रह गया, आश्चर्यचकित सा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी इस तेज को देखकर, उनके इस स्वरूप को देखकर वो इतना प्रसन्न हो गया कि उसके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे और एक भी शब्द नहीं निकला और वो चुपचाप उन्हें ही निहार पा रहा। वह तो निरंतर निहार रहा था, लगातार उन्हें ही देख रहा था। उनके स्वरूप को वो स्वरूप उसकी आंखों में इस तरह समाया कि उसकी उनके चेहरे से उसकी दृष्टि बच्चों नहीं हट रही थी। निर्निमेष भाव से उस महात्मा की ओर, निर्निमेष अर्थात एक टक होकर वो उस महात्मा की ओर देखता रहा। सहसा भूमि पर झुककर सुदास ने उस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल का फूल चढ़ा दिया। वो इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न कि जैसे उसे साक्षात भगवान मिल गए हो और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी उनके उस तेज में इतना खो गया कि अचानक उसने वो झुककर सुदास ने उस परम तपस्वी के चरणों के आगे उस फूल को चढ़ा दिया। कहा तो वो उनसे द्रव्य अर्थात धन की आशा लेकर आया था, लेकिन उनके स्वरूप को देखकर वो इतना खो गया कि उसने वो फूल उनके चरणों में ही चढ़ा दिया। वृक्ष के सघन कुंजों में से पंछी बोल उठे उसके ऊपर। वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ के नीचे सघन कुंजों में से पक्षी बोल उठे। पवन की लहर आई और हवा भी चल पड़ी। कमल की पंखुड़ियां हिलकर मानो हंस रही हो। जब उसने वो फूल चढ़ा दिया, अचानक हवा का झोंका आया और वो फूल हिला, उसकी पंखुड़ियां हिल रही थी। तो कवि ने कहा है ऐसा लग रहा था कि मानो कमल की एक एक पंखुड़ियां हंस रही हो और अपने जीवन को साकार समझ रही हो। अर्थात वे यह समझ रही हैं कि आज उनका जीवन धन्य हो गया। सुदास के शकुन सफल हो गए। शकुन मतलब शुभ संकेत, सफल हो गए। उसने देखा था ना कि जब कोयल कूकुटी थी तो उसने कहा था कि आज तो कुछ शुभ संकेत मिल रहा है और उसके वो सारे शकुन अर्थात संकेत सफल हो गए। स्मृति भरे मधुर स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया। महात्मा बुद्ध ने जब सुदास ने उनके चरणों में उस फूल को चढ़ा दिया तो महात्मा बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया, हे वत्स कुछ कहना है, कुछ चाहिए।
क्या कहा उन्होंने, हे वत्स, तुम्हें कुछ कहना है या कुछ चाहिए मुझसे? गदगद अर्थात प्रसन्नता भरे स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं। क्या कहा? और कुछ भी नहीं अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका अर्थात आपके चरणों की बस एक छोटी सी धूल मुझे चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा ये लेख, है ना अच्छा? फूल भी खुश हो उठा था, उसको अपने आप, वह अपने आप पर धन्य समझ रहा था, अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था कि वो गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष के चरणों में चढ़ाया गया। तो चलिए बच्चों अब इसके थोड़े प्रश्न उत्तर हो जाए। चलिए बच्चों, वन उपवन के पुष्प क्यों सूख गए थे बताइए। मैं ही बता देती हूं, वन उपवन के पुष्प इसलिए सूख गए थे क्योंकि प्रचंड शीतकाल था अर्थात अत्यधिक सर्दी के कारण पुष्प सूख गए थे। दूसरा प्रश्न, सरोवर के मालिक का नाम क्या था बच्चों? क्या था सरोवर के मालिक का नाम बताइए? माली था ना, माली कौन था? माली के उसमें ही तो सरोवर था एक। हाँ, सरोवर के मालिक का नाम सुदास माली था। तीसरा प्रश्न, सुदास को राजा जी से किस चीज की अपेक्षा थी बताइए बच्चों? वो राजा जी को पुष्प अर्पित करने गया था तो किस चीज की आशा से गया था उसे? चलिए इसका उत्तर भी मैं बता देती हूँ, वो एक अशर्फी की अपेक्षा लिए गया था। उसको एक अशर्फी की इच्छा थी कि इतना अकाल के अंदर जब फूल राजा जी देखेंगे तो वो उसे एक अशर्फी इनाम में देंगे। चलिए चौथा प्रश्न, राजा प्रसेनजीत किनसे मिलने जा रहे थे बताइए बच्चों? राजा प्रसेनजीत किनसे मिलने जा रहे थे बच्चों? राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे थे। चलिए पांचवा प्रश्न, सुदास ने फूल बेचा या नहीं बताइए? नहीं, सुदास ने फूल नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि वो ये देख गया, ये समझ गया था कि ये इतना दोनों जने बहुत सारा मूल्य जब दे रहे हैं तो मैं तो उसी व्यक्ति को चढ़ाऊंगा, वो मुझे बहुत सारा धन देगा। चलिए अगला प्रश्न, वन उपवन की कैसी दशा हो गई थी बताइए? कैसी दशा हो गई थी? चलिए इसका उत्तर भी मैं बता देती हूँ, प्रचंड शीत से सारे फूल सूख गए थे, समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदास खड़े थे। जिनके माता पिता दूर चले जाते वो बच्चे अपने माता पिता को याद करते रहते, तो ऐसे उदास से वो खड़े थे। चलिए अगला प्रश्न, सुदास माली कमल का फूल लेकर कहाँ गया और क्यों बताइए? चलिए सुदास माली कमल का फूल लेकर गौतम बुद्ध के पास गया। क्यों गया? क्योंकि वो उनसे और अधिक दाम वसूलना चाहता था। उसने कहा कि जब ये दोनों जिस व्यक्ति को चढ़ाने जा रहे हैं वो इतना कितना धनवान होगा तो फिर तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, इसी की आशा से वह उनके पास गया। राजा प्रसेनजीत ने कितनी अशर्फियों तक की बोली लगाई थी बताइए? प्रसेनजीत ने दो बार बोली लगाई थी, 10 अशर्फियां और फिर 40 अशर्फियां। पहले उन्होंने 10 अशर्फियों की बोली लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने 40 की। जब सज्जन ने 20 अशर्फियों की बोली लगाई तो उन्होंने 40 की बोली लगाई। ठीक है, चलिए बच्चों आगे कुछ एक्सरसाइज। इन शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए। नयन, नयन का समानार्थी बच्चों
समानार्थी मतलब हम इसे पर्यायवाची भी कह सकते हैं। नयन का पर्यायवाची नेत्र, लोचन, चक्षु। अगला कमल, ये तो आपने शुरू से पढ़ा है ना बच्चों। कमल का पर्यायवाची पंकज, सरोज, नीरज। तीसरा उपवन, उपवन का मतलब तो जानते ही है। हाँ, बाग, बगीचे, ठीक, चलिए बाग, बगीचा, कानन। अगला प्रभु, प्रभु का पर्यायवाची बच्चों ईश्वर, भगवान, परमात्मा। चलिए वन का पर्यायवाची बच्चों अरण्य, जंगल, कानन। ठीक, चलिए अब बताइए इन शब्दों के विलोम शब्द बताइए। सज्जन बच्चों, सज्जन का विलोम शब्द तुर्जन। स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द अस्वीक। मंगल, मंगल का विलोम शब्द अमंगल। उदास, उदास का विलोम शब्द प्रसन्न। धनवान, धनवान का विलोम शब्द बच्चों निर्धन। अमृत, अमृत का विलोम शब्द बच्चों विष। सघन, सघन का विलोम शब्द विरल। बाहर, बाहर का विलोम शब्द बच्चों भीतर। ठीक, चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको इसको दोबारा पढ़ना है और इन सबको दोबारा से याद करना है। ठीक।